वेलकम गाइस टू अनिसर्च यूट्यूब चैनल। गाइस जैसे कि आपको मालूम है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी नई स्टार्ट की। उस प्रोबेबिलिटी में हमने इंट्रोडक्शन दिया और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड मैंने बोला था कुछ टर्म्स को जानना जरूरी है सो डैट हमें प्रोबेबिलिटी की डिफिनेशन अच्छे से समझ में आए और प्रोबेबिलिटी को हम अच्छे से यूज कर पाए। उसमें हमें स्टार्ट में फर्स्ट पढ़ा एक्सपेरिमेंट एंड मेन जो उसमें पढ़ा रैंडम एक्सपेरिमेंट। और मैंने उस लेक्चर में ये भी बोला है जब भी मैं आप प्रोबेबिलिटी पे कहीं पे भी एक्सपेरिमेंट वर्ड यूज करूंगा तो आप समझ लेना कि मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करी। ओके, तो अब ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना हमारा, जब भी हम प्रोबेबिलिटी में रैंडम एक्सपेरिमेंट 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 की बात करेंगे तो इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड दो चीजें बार बार यूज हो जाएगी। एक है आपका आउटकम, दूसरा है आपका सैंपल स्पेस। ये जो दो टर्म्स है ना, ये जब भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात आएगी तो उसके साथ इन दो टर्म्स का यूज जरूरी होगा। कौन कौन सी टर्म? आउटकम एंड सैंपल स्पेस, जिस पे जिसके बेस्ड आपकी पहली एक्सरसाइज भी है। तो पहले समझते हैं व्हाट इज एन आउटकम। नेक्स्ट टर्म रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी और एक टर्म प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। जैसे कि आपको मालूम है मैंने बोला जब भी हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे हमें ये नहीं पता नहीं होगा, हम ये 100% कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते हैं कि इस टाइम क्या आएगा इस टाइम क्या आएगा, लेकिन हम ये जरूर कह पाएंगे कि अगर हम ये एक्सपेरिमेंट ये एक्टिविटी करेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या निकल के आ सकता है। आने बात समझ में? तो जैसे कि सिंपल मैं एक एग्जाम्पल ले लूं, मैंने कॉइन टॉस की, क्या की? कॉइन टॉस। ये एग्जैक्टली मुझे ये नहीं पता कि कौन सा फेस ऊपर की ओर आएगा, लेकिन कॉइन टॉस करने पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं वो मुझे पता है। मुझे मालूम है या तो हेड आएगा, हेड वाला फेस ऊपर की ओर, या आएगा टेल वाला फेस। ये जो हेड आना है ना, ये इस कॉइन टॉस करने पर इस एक्सपेरिमेंट का एक आउटकम कहलाएगा। सो हम इन शॉर्ट टेल आना, कॉइन टॉस करने पे टेल आना, हम कहेंगे टेल आना हो गया एक आउटकम, किसका? एक कॉइन टॉस। ऐसे ही अब मैं सिंपल भाषा में बात कर रहा हूं, पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसकी है? किस एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट की। रैंडम एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल रिजल्ट्स जो होते हैं उन्हें हम उस एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स कहते हैं। तो जैसे मैंने बोला एक कॉइन को अगर हमने उछाला तो क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। हम कहेंगे ऑन टॉसिंग ऑफ ए कॉइन आउटकम्स आर हेड और टेल। इसके जो आउटकम्स है वो हेड और टेल है। आ रहे हैं बात समझ? तो आउटकम क्या होता है? ये किसी एक्सपेरिमेंट का पॉसिबल रिजल्ट होता है, पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का पॉसिबल रिजल्ट उसे हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एन आउटकम, उसे ही हम आउटकम कहते हैं। अगर हमने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट की, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं उन्हें है हम उस एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स कहते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दू, फॉर एग्जाम्पल आउटकम्स ऑफ a coin tossed once, एक कॉइन हमने टॉस की, इसके आउटकम्स क्या क्या कहलाएंगे? हेड एंड टेल। बिकॉज जब हम कॉइन टॉस करेंगे थोड़ी ना वहां से एप्पल गिरेगा, थोड़ी ना वहां से आपको गोल्ड कॉइन मिलेगी, नहीं। जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड फेस आएगा ऊपर की ओर या टेल फेस आएगा। तो ये जो पॉसिबल रिजल्ट्स के हैं एक कॉइन टॉस करने के, इन रिजल्ट्स को, पॉसिबल रिजल्ट्स को कहते हैं हम इस एक्सपेरिमेंट के क्या कहलाएंगे? आउटकम्स। आई होप आपको आउटकम का कंसेप्ट समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम और एक टर्म प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, किसमें? प्रोबेबिलिटी में। जब भी आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी में किसका नाम आएगा? एक्सपेरिमेंट का, दैट्स रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब भी रैंडम एक्सपेरिमेंट कोई परफॉर्म की जाएगी तो उससे रिलेटेड जरूरी हम सैंपल स्पेस बना सकते हैं।
कहने का मतलब है हर किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस बनाया जा सकता है, हर किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस बनाया जा सकता है। और इससे रिलेटेड जब भी हम कुछ भी पढ़े प्रोबेबिलिटी में तो सैंपल स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो समझते हैं सैंपल स्पेस क्या क्या किसे कहते हैं। जब भी हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके कुछ पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं जिनके हम क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी में आउटकम्स। अब क्या कहेंगे आज के बाद, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके आउटकम्स होंगे, पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी हम एक एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स को एक साथ लिस्ट लिखते हैं, लिस्ट करते हैं। आ रही ना मेरी बात समझ, हम कभी इस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसके सारे पॉसिबल रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, उन सारे पॉसिबल रिजल्ट्स को हम वन बाय वन लिस्ट करते हैं, लिखते हैं। ये जो आपके नई कलेक्शन बनती है ना, इस कलेक्शन का हम नाम दे रहे हैं सेट। hey, उसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। आ रही बात समझ में, किसे कहते हैं सैंपल स्पेस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस। तो लिखते हैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन। सेट, सेट से मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स, बिकॉज आउटकम ही क्या कहलाता है, पॉसिबल रिजल्ट। सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट of a random experiment is called a sample space। इसी को हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। और इस सैंपल स्पेस जो सेट आपका होता है सैंपल स्पेस, इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, और वो कैपिटल लेटर है जब भी आप कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, जब भी आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करोगे प्रोबेबिलिटी में, उस एक्टिविटी उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस बनाया जा सकता है। सैंपल स्पेस से मतलब वो जो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके जो सारे पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं, उसके जो सारे आउटकम्स होते हैं, उसका हम सेट बना सकते हैं, उनकी हम एक कलेक्शन बना सकते हैं। उसी कलेक्शन का नाम होता है सैंपल स्पेस। और इस सैंपल स्पेस को ऑलवेज किससे रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, कैपिटल एस से। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है आपका सैंपल स्पेस, जब भी आप कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो आपसे पूछा जाएगा कि इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस बना के दो। क्या पूछा जाएगा आपका, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना आपकी, उस फर्स्ट एक्सरसाइज में ओनली यही क्वेश्चन है आपको, अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसका सैंपल स्पेस हमें बताओ, ये एक्सपेरिमेंट करने पे इसकी सारे पॉसिबल रिजल्ट्स को लिस्ट करो, लिखो। तो ये है हमारा सेंस। अब यहां पे हमें समझना ये है कि अगर गिवन एक्सपेरिमेंट हम कोई करें तो इसका सैंपल स्पेस कैसे बनाया जा सकता है। चलो एक सिंपल एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूं। सैंपल स्पेस ऑफ व्हाट, ऑफ ए कॉइन, जो एक फेयर कॉइन होती है उसका सैंपल स्पेस ऑफ ए कॉइन टॉस्ड वंस। हम क्या करेंगे बेटा, हम एक कॉइन को लेंगे, उस कॉइन को एक बार में हम उछालेंगे एक बार, ओके। तो इसका हम सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस से मतलब इसके क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, कौन कौन सा आउटकम आ सकता है, उनको उन सबको लिस्ट करना। हमें पता है जब हम कॉइन को टॉस करते हैं या तो हेड आएगा या आएगा टेल, तो इसके दो ही पॉसिबल और रिजल्ट्स है, दैट्स हेड और टेल। तो इनको मैं यहां पे हेड को एच से रिप्रेजेंट करूंगा, किसको, हेड को एच से रिप्रेजेंट करूंगा, टेल को टी से रिप्रेजेंट करूंगा। हम आगे प्रोबेबिलिटी में जब भी कहीं पे हम कॉइन से रिलेटेड कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें जो आउटकम्स हेड और टेल बनेंगे ना, तो यूजुअली हेड को एच से रिप्रेजेंट किया जाता है और टेल को टी से। तो मैं लिखूंगा सैंपल स्पेस ऑफ ए कॉइन टॉस्ड वंस इज, पहले सैंपल स्पेस को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस से। मैंने बोला सैंपल स्पेस इज द सेट,
और अगर आपको याद हो सेट थ्योरी, तो सेट थ्योरी में हमने पढ़ा था सेट जो आप किसी भी फॉर्म में लिखते हो, चाहे रोस्टर फॉर्म में लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट का एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर से मतलब कैसे लिखा जाता है कर्ली ब्रेसेस में, एस इज दिस सैंपल्स में, इट इज एक्चुअली सेट, सेट ऑफ व्हाट ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। जब आप एक कॉइन टॉस करोगे तो कौन कौन सा फेयर ऊपर की ओर से, या आएगा हेड एस से मतलब हेयर, या काम करके लिखूंगा मैं टेल। So this is the sample space of a coin tossed once. जब हम एक coin को एक बार उछालेंगे तो वहां क्या क्या हो सकता है उसका result, या हो सकता है head या हो सकता है tail. These are the only two possible results of a coin tossed once. Okay? तो this is the sample space of a coin tossed once. लेकिन अगर आपसे आज पूछा जाए आप हमें इस वाली experiment का सैंपल स्पेस बना के, क्या एक कॉइन को आपने टॉस करना है, कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस करना है ऊपर की ओर उछालना है ट्वाइस। अब आप यहां पे क्या कर रहे हो, एक कॉइन को दो बार, पहले एक बार फिर दो बार उछाल रहे। अब अगर आपसे पूछा जाए इस वाली रैंडम एक्सपेरिमेंट का आप सैंपल स्पेस क्रिएट करके दो, बना के दो, तो क्या करोगे? चलो पहले हम थोड़ा सोच लेंगे। जब हम एक कॉइन को दो बार उछालेंगे, देखो एक कॉइन को सी मैंने फर्स्ट टाइम उछाला तो क्या आया, हेड आया। ओके, तो जब इसी कॉइन को दूसरी बार उछाऊंगा क्या देख रहा हूं मैं, टेल आया। तो ये पॉसिबिलिटी एक है, फर्स्ट केस में हेड आ सकता है, दूसरे में टेल। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है ना, जब मैं पहली बार कॉइन को उछालूंगा पहली बार टेल आ सकता है, दूसरी बार हेड आ सकता है, या पहली बार हेड आएगा दूसरी बार भी हेड आएगा, या पहली बार टेल आएगा दूसरी बार भी टेल आएगा। ओके, तो चलो मैं आपको समझाता हूं कैसे एक कॉइन को जब हम रिपीट करेंगे, रिपीटली टॉस करेंगे, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स का सैंपल स्पेस हम कैसे बनाते हैं। सो बहुत सारे तरीके हैं इसके भी, चलो एक दो मेथड्स मैं आपको दिखाता हूं। देखो पहले मैं लिखूंगा इसके सोल्यूशन में कॉम्बिनेशंस। जब एक कॉइन को उछाला जाएगा दो बार तो बताओ हेड कितनी बार आ सकता है, पहले पे भी हेड आ सकता है दूसरे पे भी, तो टू हेड्स आ सकते हैं, लेकिन इस केस में आपके जीरो टेल्स आएंगे, टू हेड्स जीरो टेल्स, या आपका एक हेड आ सकता है एक टेल आ सकता है, दैट्स एक केस में हेड आ सकता है एक केस में टेल, या कोई हेड नहीं आएगा जीरो हेड्स टू टेल्स। सो दीज आर ऑल कॉम्बिनेशंस while tossing a coin twice. जब हम एक कॉइन को दो बार उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, हमने लिखा दो हेड्स आ सकते हैं, दैट्स फर्स्ट केस पे भी हेड आ सकता है, सेकंड केस में उस टाइम कोई टेल आएगा नहीं, या एक केस में हेड आएगा दूसरे केस में टेल, तो वही लिखा दूसरा, या कोई हेड ही नहीं आएगा फर्स्ट में भी टेल निकलेगा सेकंड पे भी टेल आएगा। तो चलो देखिए टू हेड्स का आना, देयरफॉर सैंपल स्पेस एस इज इक्वल एस, कैसे बनेगा यहां पे टू हेड्स, पहले केस में भी हेड आएगा सेकंड, फॉर कन्वीनियंस, कन्वीनियंस के लिए हम हेड्स के एच एच के बीच में कॉमा ड्रा लेकर, एच एच से मतलब हियर फर्स्ट केस पे भी हेड आएगा सेकंड केस पे भी हेड आएगा कॉमा, इसमें कोई टेल आएगा नहीं, टू हेड जीरो टेल्स, टू हेड जीरो टेल्स को एक ही तरीके से लिखा जा सकता है। अब वन हेड वन टेल की बात है, अब एक हेड आएगा एक टेल, तो ये है पॉसिबल पहले केस में हेड आएगा सेकेंड केस में टेल, लेकिन सर ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, जब हम पहले बार कॉइन को उछालेंगे उस टाइम टेल आएगा सेकंड केस में हेड आएगा, तो दैट मींस टी एच पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट टेल देन हेड, तो ये हो गए इसके, और किसी तरीके से नहीं लिखा जा सकता है वन हेड वन टेल को, या कोई जीरो हेड्स, दैट्स किस कोई हेड नहीं आएगा तो दोनों टेल्स आएंगे, दैट्स फर्स्ट केस में भी टेल आएगा सेकंड केस में भी टेल आएगा, दैट इज टी टू। So this is the sample space of a coin tossed twice. जब हम एक कॉइन को दो बार उछालेंगे उसका ये sample space है, all possible results का set. यहां पे हमने सारे possible results लिखे कि अगर हम एक कॉइन को दो बार उछालेंगे क्या क्या निकल के आ सकता है. Okay, are you getting me? So यहां पे मैं और एक चीज mention करूंगा, number or elements in sample space, S से मतलब sample space of a coin. जब हम coin की बात करेंगे, जब हम coin से related experiment करेंगे probability में, इसका जो sample space बनेगा
उस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे। कॉमा यहां पे सेपरेट करता है, यू नो सेट थ्योरी में सेट जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कॉमा का काम क्या होता है, ये एलिमेंट्स को सेपरेट करता है एक दूसरे से। तो ये कॉमा हमें कहता है ये एक एलिमेंट है, दूसरा तीसरा चरण। इस वाले सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट्स है, इस वाले सैंपल स्पेस में 2 एलिमेंट्स है। तो अगर आपसे कोई कल कोई ये क्वेश्चन पूछे, हम कॉइन को 5 बार उछालेंगे लेकिन इसका सैंपल स्पेस बनाए बगैर, क्या आप मुझे ये कह सकते हो कि इस सैंपल स्पेस में, इसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे? बात समझ में आ रही है ना? एक बार मैं फिर से बोलूंगा, अगर कल कोई आपसे ये पूछे कि आपको एक कॉइन को 5 बार टॉस करना है, अब आपसे पूछा जा रहा है इसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, कौन कौन एलिमेंट नहीं कितने, तो एक तो तरीका ये है आप इसका सैंपल स्पेस बनाओगे पूरा, फिर आप वन बाय वन गिन लोगे कि कितने एलिमेंट्स हैं। नहीं, ये काम नहीं करना है। सैंपल स्पेस को क्रिएट किए बगैर ही आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। देखो किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस ऑफ ए कॉइन। देखो जब हम एक कॉइन को एक बार टॉस करते हैं, एक बार टॉस करते हैं, तो कितने आउटकम्स के होते हैं, या हेड या टेल, तो दो। तो लिखना है, लिखोगे आप टू बेस में। आर यू गेटिंग मी? एक कॉइन को जब हम एक बार उछालेंगे तो कितने आउटकम्स होते हैं, या हेड या टेल, तो दैट्स टू। इस टू का पावर रखना है वो नंबर जितनी बार आप इस कॉइन को टॉस करोगे, जितनी भी बार इस कॉइन को आप उछालोगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट्स टू रेज्ड पावर एन। व्हाट इज एन हियर बेटा? एन क्या लिखना है? एन इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ कॉइन इज टॉस्ड। नंबर ऑफ टाइम्स ए कॉइन इज टॉस्ड। टू रेज्ड पावर एन से मतलब एक कॉइन के सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होते हैं, टू रेज्ड पावर एन। अगर मैं भी आपसे बोलूं बताओ एक कॉइन को मैं 5 टाइम्स टॉस करूंगा, उसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? बेस में ऑलवेज 2 रहेगा, किस केस में? कॉइन के केस में। रेज्ड पावर एन की जगह क्या आएगा, आप इस कॉइन को कितनी बार टॉस करो, 5 बार ना, तो आंसर आएगा 2 रेज्ड पावर 5, दैट इज 32। अगर आप एक कॉइन को टॉस करोगे 5 टाइम्स तो उसके सैंपल स्पेस में 32 एलिमेंट्स आएंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो और एक एग्जांपल करते हैं सैंपल स्पेस से रिलेटेड एंड खासकर कॉइन से रिलेटेड। ये जो कुछ चीजें हैं ना, ये प्रोबेबिलिटी में मतलब फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे हम लोग। चलो कॉइन से रिलेटेड, डाइस रिलेटेड एंड डेक ऑफ 52 कार्ड से रिलेटेड, ये 3 एक्सपेरिमेंट्स हम बार बार यूज करेंगे। चलो अगर आपसे पूछा जाए आपको सैंपल स्पेस बनाना है उस कॉइन का जिसको 3 बार उछाला जा रहा है, अगर आप एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करोगे तो इसका सैंपल स्पेस बताओ। यहां पे आपको मैं 3 मेथड से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाऊंगा, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे वो मेथड आप आगे फिर फॉलो करोगे। देखो मैंने क्या बोला, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ये पॉसिबिलिटी है जब हम 3 टाइम्स कॉइन को, फर्स्ट टाइम भी हेड आ सकता है, सेकंड टाइम में भी हेड, थर्ड टाइम में भी हेड, या 2 हेड्स एक टेल आ सकता है। मैं भी पहले कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, या बनेंगे 3 हेड्स लेकिन 3 हेड्स के केस में कोई टेल नहीं आएगा, या आएंगे 2 हेड्स 1 टेल। बात आ गई समझ में? 3 टाइम्स हमें कॉइन को टॉस करना, या 3 के 3 बार आएगा 3 हेड्स, या 2 बार आएगा हेड 1 बार आएगा टेल, या आएगा 1 बार हेड 2 बार टेल, या अगर 0 टाइम्स हेड 3 टाइम्स टेल। दीज आर ऑल द कॉम्बिनेशंस। ओके सो चलो अब हम इसको लिस्ट करेंगे वन बाय वन। मैं लिखूंगा देयरफॉर एस। एस से मतलब सैंपल स्पेस, किस चीज का? ऐसे एक्सपेरिमेंट का जिस एक्सपेरिमेंट में हम कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे। तो 3 हेड्स, 3 हेड्स से मतलब 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 3 हेड्स 0 टेल, कोई टेल है इसमें नहीं। तो क्या इन 3 हेड्स में, अगर इन हेड्स की पोजीशन बदलेंगे हम लोग, क्या हमें कोई और सिलेक्शन बनेगी? नहीं। इस एज को यहां लिखे, इस एज को यहां लिखे, इस सिलेक्शन पे, इस कॉम्बिनेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। ओके अब नेक्स्ट वन, 2 हेड्स 1 टेल, 2 हेड्स 1 टेल, 1 हेड हो गया, 2 हेड हो गया और 1 टेल लेना है। एचएचटी, इस एचएचटी से मतलब है कि पहली बार भी हेड आया है, दूसरी बार भी हेड आया, तीसरी बार टेल आया है। अब देखो मैं क्या इस टी को यहां पर लिखता हूं, एच पहले वाले एच को यहां पे, दूसरे हेड और टेल की मैं पोजीशन बदलूंगा, टी एच।
अब देखो इसमें भी दो हेड्स एक टेल है, इसमें भी दो हेड्स एक टेल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? डिफरेंस ये है, इसमें पहली बार हेड आया, दूसरी बार भी हेड आया, तीसरी बार टेल आया है। इसमें फर्स्ट टाइम हेड आया, सेकंड टाइम टेल आया, थर्ड टाइम हेड आया। आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज द डिफरेंट सिनेरियो फ्रॉम दिस वन। तो चलो इस टेल को यहां भी लिखा जा सकता है टी एच एच। तो तीन तरीकों से, थ्री वे से हम लिख सकते हैं टू हेड्स और एक टेल को। दैट्स एच एच टी एच टी एच टी एच एच। और कोई तरीका नहीं है टू हेड्स एंड वन टेल को लिखने का। तो अब आप कैसे याद करोगे, अब आप कैसे इस पैटर्न को अपनाओगे? देखो क्या हुआ, आपको पता है ना टू हेड वन टेल एक कॉम्बिनेशन है, लिखा आपने टू हेड्स वन टेल। फिर यहां अकेला कौन है? टेल है ना। इस टेल को आप तीन तीन के तीन पोजिशन पे रख के देखोगे। पहली बार टेल किस पोजिशन पे था? थर्ड पोजिशन पे। यहां पे टेल कहां पे? सेकंड पोजिशन पे। यहां पे टेल किस पोजिशन पे? फर्स्ट पोजिशन पे। तो चलो अब है नेक्स्ट वन, वन हेड टू टेल। वन हेड, चलो मैं हेड को पहली बार लिखता हूं टेल। टेल पहली बार हेड आ सकता है, सेकंड टाइम है टेल, थर्ड टाइम है टेल। अब यहां पे टू टेल वन हेड है, अकेला कौन है? हेड। हेड किस पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन पे। अब इसको मैं सेकंड पोजीशन पे भी रखूंगा, थर्ड पोजीशन पे। चलो पहले लिखते हैं सेकंड, हेड को सेकंड पोजीशन पे, टेल यहां पे आएगा टी एच टी। आया हेड फर्स्ट पोजीशन पे भी, सेकंड पोजीशन पे भी। अब हेड को कहां पे रखना है? थर्ड पोजीशन पे, टी टी एच। ये हो गए तीन केस। अब लास्ट वाला है जीरो हेड्स, कोई हेड नहीं, तीन के तीन टेल्स, दैट्स टी टी टी। अब देखो इस केस में, इसमें तीन के तीन टेल्स है ना, अगर आप टी को यहां वहां घुमाओगे तो कोई नई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगी। सो दिस इज द सैंपल स्पेस ऑफ ए कॉइन टॉस्ड थ्राइस। आप चेक कर सकते हो एक कॉइन को हमने कितनी बार उछाला, तीन टाइम्स ना। इसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आने चाहिए? मैंने बोला कॉइन के केस में ऑलवेज बेस में रहेगा टू, पावर में रहेगा कितनी बार आप कॉइन को टॉस कर रहे हो, थ्री टाइम्स, टू रेज बाय थ्री व्हिच इज एट। आप चेक कर सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। दिस इज द सैंपल स्पेस of a coin tosser thrice। अब इसी sample space को find करने के लिए और एक तरीका है, देखो क्या है। मैंने भी बोला ना, जो फिर आपको last में अच्छा लगे उसको आप use करोगे। S, S of what? Sample space of what? A coin tosser thrice। जब आप एक बार coin toss करोगे तो क्या आएगा? या head या tail। एक बार coin toss करोगे sample space बनता है head tail। लेकिन हमें इसको कितनी बार टॉस करना है? थ्री टाइम्स। तो जब आप दूसरी बार कॉइन को टॉस करोगे तब भी या हेड आएगा या टेल, जब आप तीसरी बार कॉइन को टॉस करोगे तब भी आएगा हेड और टेल। सो इट इज लाइक कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपने रिलेशंस एंड फंक्शंस सेकंड यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 11th में। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे फॉर्म करते थे? एक सेट लिखा, दूसरा सेट का बीच में क्रॉस लिखा, अब हम पेयर्स बनाएंगे। देखो यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स है, लेकिन हम पहले दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। देखो क्या लिखेंगे, इस H को इन दो के साथ मिलाएंगे, H H H T T H T T हो गया पहले दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस थर्ड वाले सेट को फॉर टाइम बीइंग के लिए ऐसे रखेंगे। अब हम ट्रिपल्स बनाएंगे, ये तो हमने पेयर्स बनाए थे, अब हम ट्रिपल्स। ट्रिपल्स देखो कैसे बनेंगे, इस एच एच को मैं इस एच के साथ भी करूंगा पेयरिंग, इस टी के साथ। एच 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 तो थ्री टाइम्स एच, एच एच टी, ओके हो गया ना फर्स्ट वाले का। अब नेक्स्ट एच एच टी एच टी एच एच टी एच एच टी टी, अब हो गया इसका भी। अब इस वाले का टी एच का, टी एच की बारी है, टी एच एच टी एच टी and the last one TTH and TTT। so this is again the same sample space। किसका sample space है? ये भी a coin tosser thrice। इसमें भी eight elements है, okay? तो अब ये बस difference ये है, यहाँ पे कोई element second place पे आएगा, वो यहाँ पे किसी और place पे होगा। तो आपने पढ़ा है already, सेट में हम अगर एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करें तो उससे सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो बोथ आर सेम, यू कैन चेक इट। So, दो मेथड से अभी मैंने आपको समझाया कि कैसे सैंपल स्पेस एक कॉइन का निकाला जा सकता है जिसको मनी टाइम्स टॉस करते हैं। और एक मेथड है उसको भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फर्स्ट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। गाइस अब और एक लास्ट मेथड किसका है, कॉइन को जब हम थ्री टाइम्स टॉस करेंगे तो इसका सैंपल स्पेस कैसे बनाया जा सकता है।
तो इस वाले मेथड के लिए ऑलवेज ये चीज जरूरी है कि इसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे। जब एक पॉइंट को तीन बार टॉस किया जाता है, हम वी नो इसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होते हैं, टू रेज इट पावर, कितनी बार हमने कॉइन को टॉस किया, थ्री टाइम्स, टू रेज पावर थ्री इज एट। दैट इज इस एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस में एट एलिमेंट्स होंगे। अब देखो मेरी ओर क्या करना है, इस एट का हाफ करना है आप लोगों को, इस एट का क्या करना है, हाफ। एट का हाफ कितना होता है, फोर। ओके, अब आपको चार बार, ये क्या है, ये ऐसे हमने कॉइन को टॉस करना है, इसमें दो ही आउटकम से, या हेड आएगा या टेल। अब आपको हेड को चार बार लिखना है, टेल को चार बार। पहले किसको लिखा जाए, आपकी मर्जी, पहले आप टेल को लिखो या हेड को, लेकिन फिर आगे भी ऐसे लिखना। चलो हम हेड को लिखेंगे, हेड को कितनी बार लिखना है, चार बार। हेड 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 लिखना हेड को चार बार, अब टेल को लिखना चार बार, टी 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 टी, ये है इसका। अब फोर का हाफ करना है, फोर का हाफ क्या कितना होता है बेटा, फोर का हाफ वो है टू। अब आपको कैसे लिखना है, फिर से टू, टू से मतलब दो बार हेड दो बार टेल, दो बार हेड दो बार टेल, तो बार आपको पूरा लिखना है। तो लिखेंगे दो बार हेड दो बार टेल, साइड बाय साइड, दो बार हेड दो बार टेल, हो गया इसका। अब आगे क्या करना है, आगे आप लोगों को करना है टू का हाफ, टू का हाफ कितना होता है, टू का हाफ होता है वन, टू का हाफ का कितना होता है वन। अब आपको वन से मतलब एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, तो लिखेंगे इसके साइड में हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अब इसके बीच में थोड़ी सी आप लाइंस को ड्राफ्ट कर सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो। So, आपका सैंपल स्पेस समझो बन गया। देखो फिर क्लास में कैसे लिखना, therefore s is equal to sample space of a coin tossed thrice, h h h आपका एक एलिमेंट बनेगा, h h t आपका नेक्स्ट बनेगा, h t h और एक एलिमेंट, h t t, t h h, THT, TTH, TTT. So this is the sample space of a coin thrice. तो मैंने आपको दिखाया कि एक कॉइन को अगर दो या तीन या चार या पांच बार उछाला जाए, टॉस किया जाए, उसका सैंपल स्पेस कैसे बनाया जाए, थ्री तीन अलग अलग तरीकों से बनाया जा सकता है। अब मैं थोड़ा सा बताता हूं कि किस वाले मेथड को कहां पे यूज करना है। अगर एक कॉइन को कम टाइम्स, मतलब एक या दो बार टॉस किया जाता, तो आप डायरेक्टली जो फर्स्ट मेथड मैंने दिखाया वैसे आप उसका सैंपल स्पेस निकालो। अगर आपको कॉइन को ज्यादा बार टॉस किया जा रहा है ना, तब आप इस वाले मेथड का यूज करो, चार बार पांच बार तीन बार, तब ये बार फीजिबल रहता है। ओके, तो जो आपका अच्छा लगे वो आप यूज करोगे। आप मुझे कॉमेंट में लिखोगे कि इन थ्री मेथड्स में कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा है, क्योंकि मैं उन्हीं उसी मेथड को आगे भी यूज करूंगा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। तो आज के लिए बस इतना ही, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।